अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रविवार को राजधानी के इंडोर स्टेडियम में कंवर गौरव सम्मान समारोह का आयोजित किया गया कार्यक्रम। कंवर गौरव सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या देवी साय हुए शामिल। इस दौरान सीएम ने टाटीबंध स्थित समाज के भवन में निर्माण के लिए की 50 लाख रुपए देने की घोषणा एवं कंवर रत्न से सम्मानित किए जाने पर सीएम ने जाहिर की खुशी। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सुहेला में रविवार को मंत्री टंकराम वर्मा ने करीब 63 लाख की लागत से बनने वाले तहसील कार्यालय भवन का किया भूमि पूजन और कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण। वहीं सुहेला के तिगड़ा चौक में भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की आदमकद प्रतिमा का भी किया अनावरण। कवर्धा लालपुर हत्याकांड के मृतक चरवाहे साधराम यादव के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। इस दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सभी हिंदुओं से एक होने की अपील की। इसके साथ ही कहा कि इन विरोधियों की ठठरी मारने की है आवश्यकता। वहीं 2 फरवरी को हिंदुओं को बड़ा तोहफा देने की भी कही बात। सरकार बदलने के साथ ही एक बार फिर राशन कार्ड बदलने की शुरू हुई प्रक्रिया। राशन कार्ड में रंग और फोटो बदलने में 8 से 10 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। कार्ड का रंग भगवा करने के साथ उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो हटाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की तस्वीर की जाएगी प्रिंट। अगले महीने से नए राशन कार्ड बांटने की शुरू की जाएगी प्रक्रिया। बिलासपुर जिले के रतनपुर में शासकीय प्राथमिक शाला भरारी में बच्चों और कुछ युवकों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाने वाले हेडमास्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी हेडमास्टर रतनलाल सरोवर ने बीते 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बच्चों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की दिलाई थी शपथ। बिलासपुर सिविल लाइन थाना अंतर्गत मंगला क्षेत्र के धूरीपारा में कांग्रेस नेता नीरज जायसवाल की दुकान में घुसकर बदमाशों ने लाठी डंडे से कर्मचारी पर किया जानलेवा हमला। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। घटना में घायल युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी है जाँच। रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बंटी और बबली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों पति पत्नी रायपुर में घूम घूम कर घटना को देते थे अंजाम। आरोपी दंपति मूलतः नागपुर महाराष्ट्र के निवासी। आरोपी पति अनमोल और पत्नी गीता के कब्जे से चोरी की 8 बाइक और एक ही रिक्शा को किया गया जब्त। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने से रात में बढ़ गई है ठंडक। हालांकि पिछले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की हुई है बढ़ोतरी। अगले 24 घंटे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव के नहीं है आसार। 31 जनवरी को सरगुजा बिलासपुर और दुर्ग संभाग में बारिश की है संभावना। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासी बयानबाजी है तेज। सत्ता दल और विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर धर्मांतरण को लेकर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह और भूपेश बघेल के शासन में कितने चर्च बने, राज्य सरकार जारी करे श्वेत पत्र। तो वहीं कांग्रेस की चुनौती पर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि भूपेश की सरकार में एक IPS ने सुकमा से जारी किया था पत्र, क्या उन्होंने नहीं पढ़ा था पत्र। राजधानी में राजस्व का भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों के खिलाफ रायपुर नगर निगम ने शुरू की कार्रवाई। रविवार को लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 34 में स्थित एक हॉस्टल की बिल्डिंग को पंचनामा कर किया गया सील बंद। हॉस्टल के मालिक ने बीते 2 साल से नहीं चुकाया था हॉस्टल का बकाया संपत्ति कर, जिसके बाद की गई कार्रवाई। रायगढ़ चक्रधर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनमें से एक आरोपी ने कॉल रिकॉर्ड की हिस्ट्री दिखाकर एक महिला से जबरन दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। वहीं दूसरे आरोपी ने बर्थडे पार्टी में बुलाकर किया रेप। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गिरधारी महंत उर्फ साहिल को ग्राम उलखर सारंगढ़ और विशाल मंडल को छोटे अतरमुड़ा क्षेत्र से किया गिरफ्तार। गरियाबंद जिला कलेक्टर दीपक अग्रवाल जिले में लगातार प्रशासनिक कसावट को लेकर लगातार चल रहे निरीक्षण के चलते छुरा के एकलव्य आवासीय विद्यालय कोसमबूढ़ा का किया औचक निरीक्षण। साथ ही बच्चों से पढ़ाई और रहने खाने की व्यवस्था के बारे में ली जानकारी। साथ ही DM ने जिम्मेदारों को लगाई फटकार। मौके पर नदारद प्रिंसिपल और अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस किया जारी।
सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बैकोना में सुबह गन्ने के खेत में घुसे 27 हाथियों को खदेड़ने गए ग्रामीणों में से एक को हाथी ने उठाकर पटक दिया। घायल युवक को प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां उसकी हो गई मौत। तो वही मौके पर पहुंचे वन अमला, हाथियों की मौजूदगी से दहशत में है लोग। दुर्ग जिले की बेटी आईपीएस श्वेता चौबे राष्ट्रपति पुरस्कार से होगी सम्मानित। श्वेता इस समय उत्तराखंड राज्य के पौड़ी में बतौर एसएसपी के पद पर है पदस्थ। दुर्ग और छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विजय शंकर चौबे की बेटी ने बढ़ाया मान। श्वेता के पिता भी राष्ट्रपति पुरस्कार से हो चुके हैं सम्मानित। कोरबा के कुसमुंडा कॉलोनी में पानी सप्लाई के लिए बनाए गए 11 फीट वाल गड्ढे में गिरा एक विशालकाय सांड। सांड की आवाज सुनकर मौके पर लोगों और पार्षद ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सांड को रेस्क्यू कर जेसीबी की मदद से निकाला बाहर। इस खुले गड्ढे में हो रहे हैं लगातार हादसे। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।